बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे के द्वारा आज एक छोटी सी बच्ची पीहू को उसके जन्मदिन पे फोन करके उसको बधाई दी गई। वहीं सारण पुलिस को ये निर्देश दिया गया था कि उसे जाके उस बच्ची को जन्मदिन का बधाई के साथ उसे गिफ्ट भी दिया जाए। हेलो जी जैन सर। हाँ सर, राजेश बोल रहा हूँ सर, छपरा ट्रैफिक इंचार्ज। सर पीयूष के घर पे सर हम लोग पहुंच चुके हैं, सर से बात करा रहे हैं। बात सर जैन सर। तो बेटा बात कीजिए सर। लीजिए हेलो बोलिए। बोलो हेलो बोलो पीयू। बोलो पीयू, मैं गुप्तेश्वर पांडे बोल रहा हूँ बेटा, डीजीपी बिहार। बोलो नमस्ते। बोलो बोलो। कोई बात नहीं, आपको केक पहुंचा बेटा? कल आपका बर्थडे था, आपके दादाजी ने हमको रिक्वेस्ट किया था, मैं तो जानता भी नहीं, लेकिन मुझे पता चला कि आपका बर्थडे है, आप केक नहीं मिला तो आप बर्थडे नहीं मना रहे हैं, तो रात हो गई थी तो आज मैंने आपको केक भिजवा दिया। कुछ बोलो। बोलो बेटा। थैंक यू बोल दो। बोल दो थैंक यू। बोल दो थैंक यू। बोल दो बोल दो बोल दो थैंक यू। ठीक है, खुश हो गए आप? बैलून आपको मिला, चॉकलेट मिला, केक मिला? हाँ कह दो। हाँ बोलो, जोर से मुंह से बोलो ना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है, खुश रहिए, मस्त रहिए, हैप्पी बर्थडे बेटा आपको। जी जैन सर। राजेश, आप ट्रैफिक का काम देख रहे हैं, सब इंस्पेक्टर है ना? जी सर। सर छपरा में ट्रैफिक का काम देख रहे हैं ना सर? आप ही 5 साल की बच्ची से बात कराए ना? जी सर। सर से? सर अच्छा, हाँ, आपके बारे में एसपी साहब काफी तारीफ कर रहे थे कि इस कोरोना वाले टाइम में आपने काफी मेहनत किया है सर। तो कैसा चल रहा है लॉकडाउन? लॉकडाउन सर सही ढंग से चल रहा है सर, छपरा में सर। अच्छा से चल रहा है सर? इन फालतू घूमने वालों को देखते हैं, रोकते टोकते हैं, फाइन करते हैं, कार्रवाई जो बताया गया सब होती है? जी सर। सर जो सरकार द्वारा दिशा निर्देश है सर, उसका हम लोग अनुपालन करवाते हैं सर। बहुत अच्छा, बहुत हम खुश हुए आपके बारे में जान करके, आपके पिता भी बहुत तारीफ कर रहे थे सर, उन्होंने रिक्वेस्ट भी किया था कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसा सुनने पर हम लोगों को कि कोई अपना आदमी अच्छा काम कर रहा है, कोई थानेदार, कोई सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर या कोई पदाधिकारी, तो बड़ी खुशी होती है। सिपाही हवलदार से भी मेरी बात होती रहती है, जो अच्छा काम करने वाले हैं उनको हम सलूट भी करते रहते हैं, इज्जत भी करते रहते हैं। कोई ऐसा काम ना हो जिससे कि पुलिस की इज्जत पर आंच आए, ये पुलिस की छवि बनाने का समय है। तो जो कमजोर हैं, गरीब हैं, मजबूर हैं, लाचार हैं, बीमार हैं, दवा की जरूरत है, भोजन की जरूरत है, ऐसे सारे लोगों की मदद करनी चाहिए सर। और अपना काम भी ठीक है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? समस्तीपुर सर। बाल बच्चा परिवार कहाँ है? ये हाजीपुर में रहता है सर। सबसे बातचीत करते रहते हैं, सब लोग ठीक ठाक हैं? जी सर। सर कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा, इसी तरह जिस तरह से लगन से जुटे हुए हैं उसी तरह से काम करते रहिए। थैंक सर। सर सर जय। पीहू को उदास देखते हुए पीहू के दादाजी ने बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे को एक मैसेज किया था, और वो मैसेज का जवाब देखिए कि आज पीहू को इतना बड़ा सरप्राइज मिला है सारण पुलिस की तरफ से। उनके दिशा निर्देश पर यहाँ के जो पुलिसकर्मी हैं, यहाँ के ट्रैफिक इंस्पेक्टर राजेश कुमार सिंह के द्वारा सारे पुलिसकर्मी यहाँ मौजूद हैं, उनके द्वारा यहाँ गिफ्ट लेकर पीहू को दिया गया था। और वहीं पर बिहार के डीजीपी ने खुद फ़ोन पर पीहू को जन्मदिन की बधाई भी दी। वहीं पर पीहू की माँ है, उनसे जानना चाहते किस तरह कब था इनका बर्थडे और किस तरह ये कल था इनका बर्थडे और लॉकडाउन के कारण नहीं मना पाए थे, जिसके कारण आज मना तो अच्छा लगा। क्या कहेंगे आप सारण पुलिस को क्योंकि इतना बड़ा सरप्राइज मिला है आपको आज? अच्छा लगा जो भी हुआ, और इसका उम्मीद नहीं था सारण पुलिस। बिल्कुल बिल्कुल, पीहू का माँ का ये कहना है कि बिल्कुल ये इनका ये उम्मीद नहीं था कि इतना बड़ा सारण पुलिस की तरफ से इनको सरप्राइज मिलेगा, और वहीं पे सारण पुलिस को इन्होंने धन्यवाद भी दिया। उसी सिलसिले में आज यहाँ के छपरा के ट्रैफिक इंस्पेक्टर जो कि पूरे ट्रैफिक की कमान संभालते हैं, लॉकडाउन के दौरान काफ़ी मेहनत भी करते दिखते हैं अपने पूरे दल बल के साथ। उन्होंने अपने जिप्सी के साथ और पूरे पुलिस बल के साथ पीहू को जाके जन्मदिन की बधाई दी, जैसा कि डीजीपी का निर्देश भी था। वहीं पर डीजीपी ने सारण के इस छपरा के तेज तरार और युवा ट्रैफिक इंस्पेक्टर राजेश सिंह से फ़ोन पे भी बात की, और लॉकडाउन के बारे में जाना हम जानना चाहेंगे राजेश जी से, किस तरह सर का फ़ोन आया, क्या पूछा उन्होंने आपसे? सर का फ़ोन आया
और सर ने पूछा कि लॉकडाउन का पालन हम लोग अनुपालन सही ढंग से करवा रहे हैं, लोग बाहर तो नहीं निकल रहे हैं, बाहर तो बिना मतलब का नहीं घूम रहे हैं। मेरे द्वारा बताया गया कि नहीं, हम लोग जो सरकार द्वारा दिशा निर्देश प्राप्त है उसका सही सही अनुपालन करवा रहे हैं और लोगों को बाहर नहीं घूमने दे रहे हैं। जो आवश्यक सामग्री लाने के लिए जा रहे हैं उनको हम लोग देख रहे हैं कि हाँ ये सच में आवश्यक सामग्री लाने जा रहे हैं तो हम उनको जाने दे रहे हैं। चूंकि लॉकडाउन का ये तीसरा चरण शुरू होने हो चुका है लगभग, जो कि 17 तारीख तक चलेगा, तो इस दरमियान क्या कुछ छूट भी मिलने के निर्देश मिला है या लॉकडाउन जिस तरह चल रहा है उसी तरह चलेगा? नहीं, जैसा हम लोगों को एसपी सर का निर्देश प्राप्त होता है व्हाट्सएप मैसेंजर पे, हम लोग उसी तरह से काम करते हैं। हम लोग अपने अनुसार से कोई काम नहीं। बिल्कुल, लॉकडाउन के दौरान इन लोगों की ड्यूटी काफ़ी बढ़ भी गई है। वहीं छपरा के ट्रैफिक इंस्पेक्टर और उनके पूरे जो पुलिस बल हैं उनके द्वारा लॉकडाउन का सही तरीके से पालन किया जा रहा है। छपरा से प्रतीक न्यूज लाइव के लिए मैं मनोरंजन पाठक।